हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह डेली मैथ रिवीजन की वीडियो का पार्ट 6, जिसमें हम देखते हैं डेली मैथ के 10 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, हो सके तो लाइक भी जरूर करिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। इस अवधि में 2 बच्चों के पैदा होने से परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। यदि इन बच्चों की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो तो सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालनी है टोटल एज ऑफ 4 मेंबर, यानी कि पहले 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्य थे परिवार में, तो टोटल एज ऑफ 4 मेंबर कितनी हो जाएगी। 24 गुणा 4 करेंगे तो 96। अब ये जो 96 ईयर आई है, ये 96 ईयर आई है, ये सम है 4 मेंबर की एज का 10 साल पहले की। तो इसे हमें प्रेजेंट यानी कि वर्तमान आयु बनानी है, तो इसमें 40 ईयर और प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि 10-10 सभी में 10-10 साल सभी के प्लस करने पड़ेंगे 4 मेंबर के, तो 40 इसमें प्लस करेंगे तो वर्तमान आयु 4 मेंबर की कितनी हो जाएगी, 136। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। टोटल एज ऑफ 6 मेंबर, 6 मेंबर की टोटल एज कितनी होगी प्रेजेंट में, तो आज भी उनकी उतनी ही एज है, तो यहाँ पे 24 गुणा 6 करेंगे तो 144 हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए, जो यहाँ पे जो 6 मेंबर हुए हैं, ये 2 मेंबर कौन बड़े हैं? ये 2 मेंबर आपके वे दो जो 2 बच्चे पैदा हुए हैं वो बड़े हैं, ठीक है। तो 4 से 6 वो 2 बच्चे हैं, तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा एज का, वो उन 2 बच्चों की ही एज का डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये भी वर्तमान आयु है और ये भी वर्तमान आयु है, तो 8 ईयर का डिफरेंस आया, यानी कि उन दोनों बच्चों की एज का जो सम है वो 8 ईयर का है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है इन बच्चों की आयु में अंतर जो है वो 2 वर्ष का है, तो इसका मतलब आपको 8 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो, तो 5 और 3 2 ऐसे फैक्टर हो जाएंगे, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो यानी कि छोटे वाले बच्चे की एज 3 हो जाएगी और बड़े वाले बच्चे की एज 5 हो जाएगी, तो छोटे बच्चे की वर्तमान आयु 3 वर्ष, यही आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, अब सी के साथ मिलने पर तीनों की औसत आयु 22 वर्ष हो गई, सी की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, 3 वर्ष पूर्व ए और बी की कुल आयु कितनी होगी, 18 गुणा 2 कर देंगे 36 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु पूछी गई, ए और बी की आयु का सम 36 हो जाएगा। अब ये 3 वर्ष पूर्व की बात की गई है, तो इसका मतलब हमें इसको वर्तमान आयु बनाना पड़ेगा, वर्तमान आयु बनाने के लिए 3-3 साल प्लस करने पड़ेंगे दोनों के, तो 3 × 2 = 6, ये 6 हमने प्लस कर दिया, तो ए और बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 42 ईयर। वर्तमान आयु ए बी सी की कितनी होगी, ए बी सी की वर्तमान आयु का औसत 22 वर्ष है, तो यहाँ पे हम 22 में गुणा कर देंगे 3 की, तो 66 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए और बी की आयु है, यहाँ पे ए बी सी की आयु है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 24 ईयर, यही आपका सी की एज आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए 18 ईयर जो यहाँ पे था औसत, तो वो तो रहेगा प्लस यहाँ पे 6 ईयर प्लस कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो 3 ईयर के पूर्व का डिफरेंस है, यहाँ पे जो देखिए अगर सी आएगा वो 18 ईयर तो लेके ही आएगा, प्लस वो अपनी एज, क्योंकि वर्तमान में एज पूछी है उसकी, तो 6 ईयर भी प्लस होगा उसमें, क्योंकि 3-3 साल के 3 वर्ष पूर्व की बात की गई है ना, तो 3-3 उसमें 2 प्लस हो जाएंगे, तो 24 ईयर। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है 30,000 रुपये को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर बी तथा सी के भागों का अंतर कितना होगा। यहाँ पे ए बी सी में जो बांटना है 30,000 3:5:7, अब यहाँ पे हमें ये नहीं करना है बी और सी का पूछा गया, तो सबसे पहले बी का निकालो, फिर सी का निकालो, फिर उनका डिफरेंस निकालो, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको पता है इनका रेशो, तो रेशो का डिफरेंस निकालिए, बी और सी का रेशो का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो ठीक है भाई, ये 2 डिफरेंस हमें पता चल गया, तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये इस 2 के इक्वल की वैल्यू चाहिए, तो 30,000 को हम सभी से प्लस करके, यानी कि इन सभी को प्लस करेंगे कितना जाएगा 15, तो 30,000 को 15 से डिवाइड कर देंगे और हमें निकालना क्या डिफरेंस है ए और बी और सी का, तो बी और सी का डिफरेंस 2 रेशो है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जाएगा 2000 टाइम 2000 की 2 में करेंगे तो 4000, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ग्रुप डी वाले बच्चे जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हमारा रिवीजन कंटिन्यू रखे, तो मैं तो रिवीजन कंटिन्यू रख रहा हूँ, बट आप यार लाइक करते नहीं, वीडियो को शेयर करते नहीं हो, तो सब कुछ किया करें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए लगातार वीडियो बनाता रहूँगा जब तक आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 2:3:4 ये रेशियो दे रखा है, तीन संख्याओं के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग 725 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब यहाँ पे हमें भाई इनकी जो नंबर तो नहीं पता है, रेशियो पता है, तो हम इनके नंबर कैसे बना सकते हैं। 2x 3x 4x, ये तीन नंबर है हमारे पास। इन तीन नंबरों का जो वर्ग है, स्क्वायर है, वो किसके बराबर है, ये 725 के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे कितना जगह, 4x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करके 9x का स्क्वायर, और 4 का करके 16x का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गया, इन सभी को प्लस करेंगे 29x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर बच जाएगा, ये 29 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो x का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 25। तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो x की वैल्यू आपकी कितनी बच जाएगी, 5। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, दोबारा से पढ़ लेते हैं। तथा इनके वर्गों का योग है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको x की वैल्यू पता चल चुकी है, x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की तो 10 आ जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी आपकी 20 हो जाएगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी से। यहाँ पे इसमें बोला गया, लाल 5 गेंद है, हरी 3 गेंद है, नीली 2 गेंद है। यदि 2 गेंद निकाली जाती है तो दोनों नीली होने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है आपकी दोनों नीली गेंदे होने की। तो नीली कितनी है, 2 गेंद है। टोटल गेंद कितनी है, 3, 2, 5 और 5, 10 टोटल गेंद है। तो कुल संभावना कितनी आएगी, देखिए यहाँ पे होता है आने की संभावना अपोन में कुल संभावना। तो कुल संभावना आपकी हो गई 10 गेंद में से 2 गेंद हमने निकाली, तो ये तो आपकी कुल संभावना हो गई। निकाली कितनी हमने, नीली गेंद होने की संभावना पूछी गई है और 2 गेंद हमने निकाली है, तो 2 आपकी नीली है, तो 2C आपका 2, ये हो जाएगी आपकी आने की संभावना, समझे। यहाँ पे अगर यहाँ पे नीली होती है 3 और यहाँ पे 2 गेंदे निकाली जाती है और पूछा जाता कि नीली होने की कितनी संभावना है, 2 गेंद नीली होने की कितनी संभावना है, तो क्या करते आप, 3C2 ये आप करते, ठीक है। तो बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। 2C अपोन में, यानी कि C2 हो जाएगा, अपोन में 10C2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, देखिए जब भी हमारा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, 2C2 है तो इसको हम खोलेंगे कैसे करेंगे, 2 into 2 upon 1, इससे पीछे चलते हैं, 2 into 1 इस तरीके से खोलते हैं। जैसे अभी आपका लिखा है यहाँ पे 10C2, तो इसको खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक पीछे चलेंगे 10 into 9, ठीक है। नीचे भी हम क्या करेंगे, नीचे 2 है तो 2 into 2, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो अभी इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 से जाएगा 5 टाइम, ये तो पूरा कट ही जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 9 × 5 = 45 और 1, ये आपका 1 तो ऊपर चला जाएगा और ये 1/45 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखिए आपने अगर मेरा जो वीडियो है, पूरे की पूरी 3 वीडियो मैंने अपलोड की है प्रोबेबिलिटी चैप्टर पर, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा। वीडियो के लिंक मिल जाएंगे नीचे आपको, सभी वीडियोस के जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी वीडियोस से क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रुप डी में और आपके अलग अलग एग्जाम में, उनके सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, जब भी आपका कोई भी नंबर ऐसे होता है, 100C 100, तो उसका वैल्यू 1 होती है, 89, कुछ कोई भी नंबर ले सकते हैं, 89 90 2 4 5, जब भी लेते हैं 2C2, तो उसके हमेशा वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। 89C 89 है तो इसकी भी 1 ही आएगी। अब ये भी हो जाते हैं कई बार कि 100C यानी कि 100 गेंद में से हमने 1 गेंद निकाली तो इसका 100 ही रहेगा, 99 गेंद में से 1 गेंद निकाली तो इसका भी 99 रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी होती है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, लाल 5 गेंद है, हरी 3 है, नीली 2 है, पीली 4 है। यदि 3 गेंद को निकाला जाता है तो 1 के हरे व 2 के पीले होने की क्या संभावना है। अब की बार 2 कंडीशन हो गई, अगर 3 गेंदें निकाली जा रही हैं तो 1 के हरे और 2 के पीले होने की क्या संभावना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, और तथा और वह जब भी आता है तो गुणा करते हैं, अथवा और यह आता है तो प्लस करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैंने कोर्स में जब आपका कंप्लीट कराया था बहुत अच्छे तरीके से समझाया था ये चीज़ें, बट अभी भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रही है आपकी। तो इसमें यहाँ पे जब भी और तथा वे आता है तो गुणा करते हैं, अथवा या आता है तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 1 के हरे व 2 के, वह आ गया ना, वह का मतलब गुना, तो वह 2 के पीले होने की क्या संभावना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हरी कितनी गेंदे हैं, 3 है, तो 3 में से 1 हम यहाँ पे हरी कर देंगे, और यहाँ पे पीले, दूसरा क्या पूछा गया,
हरे और दो के पीले होने की, तो दो के पीले होने की, पीले कितनी है चार, तो चार में से यानी कि सी टू कर देंगे। टोटल गेंदें निकाली कितनी जा रही है तीन, तो यहाँ पे टोटल गेंद है कितनी, ये यहाँ पे टोटल गेंद प्लस करिए 14 है, तो 14 सी थ्री कर देंगे क्योंकि टोटल गेंद हमारी थ्री निकाली जा रही है। ठीक है भाई, ये चीज़ें समझे ना आप, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको हम खोल के लिखेंगे। जैसे 3C1 लिखा है, मैंने अभी आपको बताया था जैसे ऊपर, कि जब भी कोई चीज़ 100 या फिर 3C1 होता है तो उसकी वैल्यू वही हो जाती है जो ऊपर होती है। तो यहाँ पे 3C1 लिखा है तो हमने यहाँ पे वैसे के वैसे 3 लिख दिया। 4 को हम खोलेंगे, 4 × 3 × 1 अपॉन में 14 × 13 × 12 करेंगे, क्योंकि ये तीन बार पीछे खुलेगा। और यहाँ पे 3 को खोलेंगे तो 3 × 2 × 1 ये भी 3 बार खुलेगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कट जाएगा, जैसे 3 × 2 = 6, 6 × 12 कट जाएगा 2 बार, इसी तरीके से यहाँ पे 2 × 4 कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, देखिए 3 × 2 × 3 ये आपका बच गया ऊपर, नीचे तो 1 है इसको तो हटा देंगे, फिर यहाँ पे 14 × 3 × 2 ये बच जाएगा। तो इसको हम पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा वैसे भी यहाँ पे, तो 3 × 3 = 9 और 14 × 13 करेंगे तो 182 आ जाएगा, तो 9/182 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं और ये सारे मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है, 2 रेलगाड़ियाँ समान दिशाओं में 54 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती हुई एक दूसरे को पूर्णतः 1 मिनट में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए जब भी दो ट्रेन पार करती है, अब पार करने की दो कंडीशन हो सकती है, या तो अपोजिट डायरेक्शन आके पार करे या फिर एक ही डायरेक्शन में मूव करके पास करे। तो यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, बस फर्क इतना होता है इसमें, जब भी अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो इन दोनों की चालों को प्लस कर देते हैं, और जब एक ही डायरेक्शन में जाती है तो उन दोनों की चाल को माइनस कर देते हैं, बस इतना डिफरेंस होता है। दोनों ट्रेन की लंबाई को हम प्लस करते हैं दोनों की दोनों कंडीशन में। तो लेंथ ऑफ वन ट्रेन, लेंथ ऑफ टू ट्रेन हम दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे इन दोनों की चाल के डिफरेंस से। यहाँ पे जो लेंथ दे रखी है एक ट्रेन की, देखिए यहाँ पे दे रखा है कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, ये मीटर में दे रखा है, चाल किलोमीटर में दे रखी है। तो आपको जो ये किलोमीटर में है ना चाल को, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में अगर लंबाई दे रखी है तो चाल भी आपको मीटर पर सेकंड में चाहिएगी। तो 54 और 36 का डिफरेंस कितना आएगा, 18। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 15/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए आप, तो 18 से 18 जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड की आपकी चाल आ गई है। तो लेंथ 1 और लेंथ 2 दोनों ट्रेन की प्लस करेंगे, डिफरेंस हमने यहाँ पे ले 5 मीटर पर सेकंड रखेंगे। तो क्या बोला है इन्होंने, 1 मिनट में पार करती है, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड में पार करती है। तो मैंने यहाँ पे 60 सेकंड लिखा, 125 एक ट्रेन का लंबाई होगी, दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ 2 हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे, तो कितना हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 यानी कि 300, और यहाँ पे हो जाएगा 125 प्लस L2, तो L2 की कितनी लंबाई आ जाएगी आपकी, 300 में से 125 माइनस करेंगे 175 मीटर की, तो जो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन है उसकी लंबाई 175 मीटर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आती है, तो ये वाली कंडीशन भी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दोनों टाइप के आते हैं। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में समान रफ्तार से जा रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब यहाँ पे चाल नहीं दी गई है, चाल आपको निकालनी है, बट ध्यान रखिएगा जब भी अपोजिट डायरेक्शन से आती है दोनों की दोनों रेलगाड़ी की चाल को हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि जो भी इनकी चाल आएगी उन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन की जो टाइम है हम निकालते हैं, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ ऑफ वन ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टू सेकंड ट्रेन डिवाइड कर देते हैं दोनों की स्पीड से प्लस करके। ठीक है, दोनों की लंबाई हमें पता है, टाइम भी हमें पता है, 12 सेकंड में पार करती है, तो लेंथ ऑफ वन ट्रेन 120 मीटर, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन 120 मीटर, डिवाइड करेंगे 2s से, यानी कि दोनों की दोनों जो ट्रेन है उनकी चाल से हम डिवाइड करेंगे तो 2s हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना होगा, 12 × 2 = 24, 24 एस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 240। तो यहाँ पे एस की एस बराबर कितना हो जाएगा, 240/24, तो 24 से 240 जाएगा एक बार, तो एस की स्पीड जो आ जाएगी, यानी कि स्पीड जो आ गई वो आपकी कितना आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई है, तो इसको हमें क्या बदलना है, अगर यही आपके क्वेश्चन में दे रखा है जो चाल स्पीड पूछी है ना कि दोनों की चाल सेम है, तो यहाँ पे अगर पूछा गया है स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखा है क्वेश्चन में, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं दे रखा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करके इसको किलोमीटर पर आर में बदल के आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर कोई सा भी दे सकते हैं वो।
ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है पाइप एंड टंकी से। इसमें दिया गया है दो पाइप एक टंकी को 15 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा पाइप एक भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में ये पाइप क्रम 8 बजे 9 बजे प्रात तथा 11 बजे प्रात खोल दिए जाते हैं, टंकी कितने बजे खाली होगी, ये आपसे पूछा गया है। क्योंकि यहाँ पे दो पाइप तो है जो आपके 15 घंटे 12 घंटे में भर देते हैं तथा तीसरा जो पाइप है वो भरी टंकी को खाली कर देता है 4 घंटे में। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ए 15 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भरता है और सी 4 घंटे में खाली कर देता है। इन सभी का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। 60 क्या है, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, उस टैंक की 60 यूनिट की कैपेसिटी है, यानी कि इतना ही पानी उसमें आ सकता है। तो ए पाइप एक घंटे में कितना भरता होगा, 60 को 15 से भाग करेंगे क्योंकि 15 घंटे में तो इसको फुल कर देता है, तो एक घंटे में 4 यूनिट भरता होगा। 60 को 12 से भाग करेंगे तो बी एक घंटे में 5 यूनिट पानी भरता होगा। 60 को 4 से भाग करेंगे तो सी एक घंटे में 15 यूनिट पानी भरता होगा, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है, अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, क्योंकि अलग अलग टाइम पे सारे के सारे खुल रहे हैं। एक 8 बजे खुलेगी, 8 से 9 बजे चलेगी, फिर 9 बजे खुलेगी तो 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे चलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पाइप है ए, वो खुलेगा 8 बजे, 8 से 9 चलेगा तो ये 4 यूनिट पानी भरता है, घंटे में तो 4 इसने भर दिया। फिर उसके बाद बी पाइप खुलेगा जो कि 5 यूनिट पानी भरता है, ऑलरेडी ए खुल चुका है, तो 9 और 8 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 17। सॉरी यार, ये तो टाइम हो गया ना, यहाँ पे है कि ए और बी यहाँ पे कितना भरते हैं, 4 और 5 9, तो ये 9 यूनिट पानी भरते हैं एक घंटे में दोनों मिलकर। उनको भरना है 2 घंटे, 9 से 10, 10 से 11, तो ये कितना हो जाएगा, 18 यूनिट पानी ये दोनों मिलकर भरेंगे 11 बजे तक। तो कितना पानी यूनिट भर चुका है अभी तक, 22 यूनिट पानी भर चुका है। इसके बाद सी पाइप खुल जाएगा, सी पाइप के खुलने के बाद टंकी में पानी भरना बंद, निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिलकर 9 यूनिट पानी भरते हैं और ये अकेला सी पाइप 15 यूनिट पानी निकाल देता है। इसका मतलब है ये 6 यूनिट पानी भरेगा, मतलब निकलना स्टार्ट हो जाएगा हर एक घंटे में। तो 6 यूनिट पानी निकलेगा कहाँ से, जो अभी तक 22 यूनिट पानी भरता उसमें से तो निकलेगा, क्योंकि ये तो इसकी कैपेसिटी है। ये इस कैपेसिटी को भरने से पहले ही ये सी पाइप खोल देगा जो कि निकालने वाला पाइप है, और 6 यूनिट पानी हर एक घंटे में निकालते हैं अगर ये दोनों पाइप भी हमने खोल रखे हैं उसके बावजूद। तो यहाँ पे 22 यूनिट पानी भर चुका है, अब ये जो 6 यूनिट पानी निकलेगा इस 22 में से निकलेगा, तो ये आपको देखना है कि ये कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो 22 को हम 6 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कंप्लीट 4/6 यानी कि 2/3, ये हो जाएगा आपका 3 घंटे 40 मिनट में, ठीक है। 2/3 को मैं मिनट में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करके 40 मिनट, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट में। अब 11 के बाद 3 घंटे काउंट कर लीजिए, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, 1 से 2, तो 2 घंटे यानी कि 2:40 पे ये टैंक खाली हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए वो सारे आपको समझ में आएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको ढेरों सारी पीडीएफ मिल जाती है। हर एक टेस्ट की, हर एक जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सभी पीडीएफ वहाँ पे मैं अवेलेबल करा देता हूँ, तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं आप टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम से। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।